चलिए अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही दूसरा आता है बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट का हिंदी होता है तुलन पत्र। अब ये क्या होता है आइए समझते हैं। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बैलेंस शीट ऑल्सो नोन एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन इज ए समरी ऑफ द फाइनेंशियल बैलेंस ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट बी ए सोल प्रोप्राइटरशिप ए बिजनेस पार्टनरशिप ए कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अदर ऑर्गेनाइजेशन सच एज गवर्नमेंट और नन फॉर प्रॉफिट एंटिटी। एसेट्स लाइबिलिटीज एंड ऑनरशिप इक्विटी आर लिस्टेड एज ऑफ ए स्पेसिफिक डेट सच एज द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। अ बैलेंस शीट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए स्नैपशॉट ऑफ ए कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन। कहने का मतलब है वित्तीय लेखांकन में बैलेंस शीट वित्तीय स्थिति के विवरण या वित्तीय स्थिति के विवरण के रूप में भी जाना जाता है। एक व्यक्ति या संगठन के वित्तीय शेष का सारांश है, चाहे वह एकमात्र स्वामित्व हो, एक व्यावसायिक साझेदारी, एक निगम, निजी लिमिटेड कंपनी या अन्य संगठन जैसे सरकार या गैर लाभकारी संस्था, परिसंपत्तियों, देनदारियों और स्वामित्व इक्विटी को एक विशिष्ट तिथि के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। जैसा कि इसके वित्तीय वर्ष की समाप्ति एक बैलेंस शीट को अक्सर कंपनी की वित्तीय स्थिति का स्नैपशॉट के रूप में वर्णित किया जाता है। देखिए इसको ध्यान से समझिए, किसी भी कंपनी में जब पूरा एक साल का फाइनेंशियल ईयर उसका समाप्त होता है तो उसमें बैलेंस शीट, बैलेंस मतलब क्या होता है, बराबर करना, सारे चीज़ों को मिलाना, बैलेंस शीट बनाया जाता है। इसमें बताया जाता है कि इसमें कंपनी का एसेट्स कितना है, कंपनी का लाइबिलिटीज यानी कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, कंपनी का एक्सपेंस कितना है, कंपनी का करेंट एसेट्स कितना है, कंपनी का फिक्स एसेट कितना है, कंपनी का करेंट लाइबिलिटीज कितना है, कंपनी का फिक्स लाइबिलिटीज कितना है, कंपनी का डेटर कौन है, कंपनी का किसके यहाँ पैसा उधार है, ये सारे चीज़ों का विवरण जो प्रस्तुत करता है, ये सारे चीज़ों का रिपोर्ट जो बताता है वही होता है बैलेंस शीट। जैसे सपोज करिए कि आप अगर अपना एक शॉप खोले हैं तो आप जब हिसाब किताब कीजिएगा तो आपको पता होना चाहिए ना कि मेरे पास कितना का संपत्ति है, कितना मेरे यहाँ कर्ज है, मेरा किसका दूसरे के यहाँ कर्ज है, कितना वैसा कर्ज है जो एक साल के अंदर में मिल जाएगा, मेरे पास कितना स्टॉक है, स्टॉक को जो है, स्टॉक हमारा जो होता है वो हमारा माल होता है, मेरे पास जो है मेरा जो देनदार है जिसके यहाँ मेरा पैसा उधार है वो कितना है, मेरा बैंक में कितना पैसा है, मेरे पास कैश कितना है, इन सारे रिपोर्ट को निकालने के लिए जो चिट्ठा बनाया जाता है उसी को बोलते हैं बैलेंस शीट यानी तुलन पत्र।